पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड की राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा सीपी राधा कृष्णन, वर्तमान में झारखंड की राज्यपाल हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा रामेश्वर उरांव, वर्तमान में झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हैं। क्वेश्चन नंबर चार है, वर्तमान में झारखंड की कृषि मंत्री कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह है। तो क्वेश्चन नंबर चार का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच है, वर्तमान में झारखंड के खेल कूद एवं युवा मामले के मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा हफीजुल हसन। क्वेश्चन नंबर छः है, वर्तमान में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा मिथिलेश कुमार ठाकुर। क्वेश्चन नंबर सात है, वर्तमान में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री हैं झारखंड के। क्वेश्चन नंबर आठ है, वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा बन्ना गुप्ता। क्वेश्चन नंबर नौ है, वर्तमान में झारखंड के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा बेबी देवी। नंबर 10 है, वर्तमान में झारखंड के जल संसाधन विभाग के मंत्री कौन है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा चंपई सोरेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री कौन है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा वैद्यनाथ राम। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में झारखंड के श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा सत्यानंद भोक्ता। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में झारखंड के अनुसूचित जनजाति मंत्री कौन है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा दीपक विरुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा बन्ना गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान में झारखंड के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा हेमंत सोरेन। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में झारखंड के गृह मंत्री कौन है? यदि आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इसका सही आंसर डी हो जाएगा हेमंत सोरेन।